राइट एंगल ट्रायंगल बन गया नहीं बनिया? इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 20, इसका दिया है 15, ये 25 हो जाएगा। रेन टेढ़ी होगी, तुम इधर जाओगे तभी तुम ये सब ट्विस्ट होकर सीधी लगेगी। हिला दिमाग में कुछ, एक पर रेस्ट पे मान लो। जब तुमने देखा था पाठशाला तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुम अपने आप को स्टेशनरी पाठशाला चला दी। तो मैं बी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तुम ए के रिस्पेक्ट में कर लो और मैच करा लो हमारा तुम्हारा आंसर, ठीक हो जाए। लगाओ सर। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? रफ्तार सीरीज में मैं से मौसम लेके आया हूं एक और झंडा तैयार। तो बारिश हो रहा है हमारे स्टूडियो में, बहुत बारिश हो रहा है। लेक्चर बाद में होगा, पहले बारिश का मजा लो। अच्छा ये बताओ कि बारिश में छाता ऐसे पकड़े भीग जाएंगे, ऐसे पकड़े भीग जाएंगे, कैसे पकड़े ये छाता, कैसे पकड़े? अगर हम भागे इधर तो कैसे पकड़े, अगर हम भागे इधर तो कैसे पकड़े, ये कैसे पता चलेगा? बताओ कैसे पता चलेगा ये छाता कैसे पकड़ना है? अगर आप जानना चाहते हो छाता कैसे पकड़ना है तो आओ आज रफ्तार सीरीज का ये लेक्चर देखो और बढ़िया से सीखो कैसे छाता पकड़े, आओ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में करने क्या जा रहे हैं, हम लोग लेक्चर नंबर 5 में रिलेटिव मोशन 2D का बेसिक्स करने जा रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। माहौल से तुम्हें पता ही चली गया होगा कि क्या करने वाले हैं आज हम। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, रेन मैन प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज। और हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 मूविंग पार्टिकल्स के बीच का क्वेश्चन, है ना। फिर हम लोग करने जा रहे हैं क्विक रिकैप। तो भैया ये जो रेन मैन प्रॉब्लम है इसमें बहुत तकलीफ होती है, इसको अगर हम ऑब्जर्व कर लें, फील कर लें तो बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो देखो इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, क्या कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे आप उसको इमेजिन करो। इमेजिन करने के दो तरीके हैं, पहले कुछ कुछ मैथमेटिक्स कर लो फिर उसकी ड्रॉइंग कर लो। दूसरा तरीका क्या है, पहले आप ड्रॉइंग कर लो, पहले आप ग्राफ बना लो फिर समझ लो। भाई मैं दोनों बताता हूं आपको, उसके लिए मैं एक छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन लेता हूं। क्या क्वेश्चन है भैया, देखिए यहां पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, हम वर्टिकल को वाई ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे हमने क्या बताया है कि एक बंदा इधर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और यहां पर एक बंदा ऐसे उड़ रहा है, किससे, 4 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कॉमन लिए जाने वाले डेटा हैं, क्यों, चीजें आसान हो जाती हैं, समझ में भी आ जाती हैं। ये है 1 और ये है 2, ये दो लोग हैं। मैं 1 के लिए कर रहा हूं, तुम 2 के लिए करो, मतलब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आपके लिए होमवर्क क्या है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 1। जब हम ऐसा लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई ग्राउंड पर है, कोई स्टेशनरी, जैसे हम अभी स्टेशनरी देख रहे हैं हमारी बात हो रही, तो हमारे लिए 1 की वेलोसिटी कितनी है, 3i कैप। हमारे लिए 2 की वेलोसिटी कितनी है, 4j कैप। हमारे लिए मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अगर हम लिखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2 की वेलोसिटी 1 के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखेंगे क्या आएगा, 2 की वेलोसिटी कितनी है 4j, 1 की वेलोसिटी कितनी है 3i, ये आ जाएगी वेलोसिटी, ये आ जाएगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले आपसे तो 4 स्क्वायर मतलब 5, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंगल पूछा जाएगा तो वाई कंपोनेंट को ऊपर रखोगे और एक्स कंपोनेंट को नीचे रखोगे, तो ये वाई कंपोनेंट कितना है यहां पर 4, एक्स कंपोनेंट कितना है 3, क्या आ गया ये 53। तो ये एक्स एक्सिस से बनाएगा 53 डिग्री,
एक्स एक्सिस से बनाएगा 53 डिग्री। एक्स एक्सिस लिखना है तो देखेंगे वाई अपॉन एक्स। अभी बताएंगे क्यों, जिससे एंगल निकालना हो बस क्या करते हैं हम उसको नीचे रखते हैं, ये रटा रहे हैं, अब इसी को फील करा देंगे। कैसे आओ देखें कैसे, इसकी जरा ड्राइंग करिए, पहले इसकी ड्राइंग करिए, जो लिखा है इसकी ड्राइंग करिए, बड़ा आसान है ड्राइंग करना। कैसे देखो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स में 3 यूनिट लेकिन नेगेटिव का 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, वाई में 4 यूनिट पॉजिटिव का, वन यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट पॉजिटिव का। ये है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये इतना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा 53 डिग्री। एक्स एक्सिस से 53 डिग्री, वाई एक्सिस से 37 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, अगर वाई ये 1 रुका रहता तो ये ऊपर जाता नजर आता, 1 आगे चलेगा तो 1 अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, किसको 2 को, किधर इस तरफ, तो ये आगे भी जाएगा मतलब ऊपर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इसके लिए ये इस तरफ भी तो जाता नजर आएगा बिल्कुल आसानी से। जो लिखा उसी को ड्रॉ किया, अब हम डायरेक्ट ड्राइंग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऐसे मौसम तरीका है। क्या है ऐसे मौसम तरीका, देखो भाई मुझे चाहिए 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 की वेलोसिटी में से 1 की वेलोसिटी माइनस करनी है, ठीक है, 2 की वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, 1 इधर है, 1 की माइनस करने वाला समझते हो, V1 इधर लिखा जाएगा, लेकिन मुझे क्या लिखना है वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस 1, तो इसका मतलब यह हुआ ये है माइनस V1G। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं ऐसे बना दो, शिफ्टिंग तो कहीं भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर देंगे, या बहुत सारे लोग कहेंगे शिफ्ट करके आपने ट्रायंगल लॉ बना दिया, बिल्कुल सही बात। अब क्या होगा, सब कुछ वैसा है कि नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने गलत कर दिया, कैसे आपने इसको शिफ्ट किया फिर इसी को शिफ्ट कर दिया, इसको यहां लाया तो क्या फर्क पड़ता है, इसको यहां लाया तो भी आएगा, आ गया ही नहीं आ गया एक लाइन में, आ गया, कैसे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, कौन माइनस V1G फिर ये V2G फिर ये V21 राइट एंगल ट्रायंगल तो है, जो कैलकुलेशन करनी हो कर लो, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, सब निकाल लो, कैसे ये निकालना है क्या करोगे, इसका इसका स्क्वायर करोगे, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 37 डिग्री, बचा कितना 53 डिग्री, मतलब बहुत आसान है बेटा, ये तरीका ड्राइंग का है, ये प्रैक्टिस मांगता है, ये प्रैक्टिस मांगता है, 4-5 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में एक्सपर्ट बढ़िया से, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, टेंशन मत लो, अगर थोड़ा समझ में आया तब भी डरना नहीं, क्योंकि आज मैं 4-5 क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा इसी तरह के बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे,
ठीक है। तो आओ ये क्वेश्चन करते हैं, लैंग्वेज ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिए। अब हम रेन मैन में डायरेक्टली कूद गए हैं, क्या एक मैन मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से और रेन फॉल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू मैन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, हमको लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है, कब मैन के रिस्पेक्ट में दिया। ये लैंग्वेज पढ़ लिए, दूसरी लैंग्वेज पढ़ो जरा। वेलोसिटी ऑफ मैन इतना है एंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों की लैंग्वेज में कोई फर्क नजर आया आपको? इसमें मैन मूविंग विद इतना एंड रेन फॉलिंग इतना, इसमें क्या है मैन मूविंग विद दिस एंड रेन वर्टिकली एंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग इतना। ये कह रहा है मैन देख रहा है इसने से, ये मैन के देखने की बात कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन हुई रेन की। और यहां पे क्या है मैन की इतनी है इसकी इतनी, ये मैं बता रहा हूं, मतलब कोई ऑब्जर्वर बता रहा है जो स्टेशनरी है, ऐसा है ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि ये लैंग्वेज क्या है कैसे है। टेंशन मत लेना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अभी गर्दा उड़ा देंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ बस थोड़ी देर और रुक जाइए, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, बस 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 थोड़ा रुक जाओ बस। क्या दिया है यहां, दिया है कि ये मैन जो है ऐसे दौड़ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बोला ना 15 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 15 आई कैप है। और रेन, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 20 जे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों है ये बोला है क्या, मैन ऑब्जर्व कर रहा है, मैन देख रहा है, मैन फील कर रहा है, नहीं बोला ना, ये कोई पढ़ रहा है क्वेश्चन, कोई बता रहा है क्वेश्चन, वो बोल रहा है। अब वो जो है स्टेशनरी रहता है, वो बाय डिफॉल्ट स्टेशनरी रहता है। तो वो एक आदमी बोल रहा है मैन इससे चल रहा है और रेन इससे गिर रही है, अब बताओ क्या कैसे होगा। तो इसको दो तरीके से करेंगे भाई, एक ग्राफ बना के, एक मैथमेटिक्स जो लिख के फिर ड्रॉइंग करेंगे। तो पहले लिख के करते हैं, मुझे और फील दो, और फील दे तो कुछ ऐसी बात है बेटा कि एक आदमी यहां बैठा है, एक आदमी यहां बैठा है तो उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि बारिश ऐसे हो रही है, तो वो जो अपना अम्ब्रेला है ना, उसको ऐसे रखता है, ये जो बात है ये वाली बात है, इसको लग रहा है ऐसा, पूछ क्या रहे हैं? इसके लिए पूछ रहे हैं, इसको कैसा फील होगा। तो इसके लिए जो फील होगा उसके बारे में चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, वो कितनी दी है माइनस 20 जे। एक पार्ट हमारा देखो सॉल्व हो गया, और इसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा, इनके लिए चर्चा करें आओ। रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, तो रेन की वेलोसिटी है माइनस 20 जे, मैन की है माइनस 15 आई कैप, मतलब 15 आई कैप है, माइनस करो तो माइनस 15 आई कैप हो जाएगी। इतनी वेलोसिटी से रेन जो है मैन को अपीयर होगी 20 माइनस 5, 20 आई माइनस 5, 15 जे, उल्टा कर देने 20J माइनस 15I माइनस का, इतनी तेज रेन लगेगी इसको और ऐसे लगेगी। सर डायरेक्शन एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा, आओ समझाते हैं आपको। तो रेन जो है इसकी ड्राइंग करेंगे 20 है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ऐसे लगेगा ये, ऐसे लगेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहीं पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो निकाल सकते थे,
और वही चीज हम ड्राइंग से भी देख सकते हैं। तो 400 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा 25। एंगल टेन थीटा विद द वर्टिकल देख रहे हो ना, वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी नीचे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली ऊपर रखेंगे, तो Vx कितना है यहां पे 15, ये 20, 3/4 आएगा, 3/4 मतलब 37 डिग्री, वर्टिकल से 37 डिग्री। ऐसे ये ऐसा रहेगा। सर इसी को ग्राफ से भी कर सकते थे क्या? हां कर सकते थे, एक लाइन में कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कैसे वो आपको दिखाते हैं। देखो रेन गिर रही नीचे की तरफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बार लिखेंगे अगली बार से तुम मत लिखना इस तरह। ये मैन की वेलोसिटी, ये मैन की वेलोसिटी इधर थी, तो जिधर मैन जाए उसके उल्टा में ऐसा ड्राइंग किया हो, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है क्या माइनस वीएम। तो वीआर माइनस वीएम को जोड़ना था, तो ये आंसर आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही सेम चीज तो है, सेम चीज तो है। ड्रॉ करके हमने कर लिया, ये एंगल थीटा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 20, इसका दिया है 15, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते ही हमने देखा क्या, जो चीज हमने कैलकुलेशन से की थी वो डायरेक्टली देख सकते थे। कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, सिंपल देखो ना 20-15। एंगल वर्टिकल से चाहिए ना, मतलब रेन वाली साइड से, तो रेन का नीचे रखो कंपोनेंट, मैन का ऊपर रखो। रटना बिल्कुल भी मत बेटा, रटना रटना नहीं है ऐसे। तो ये तरीका किस तरीका से, ये औसम तरीका है, मजेदार तरीका है, ये प्रैक्टिस मांगता है, ये प्रैक्टिस मांगता है। तो बिडू लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया आराम से प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जरा इसको हम और फील देते हैं आपको, कैसे? बारिश जब ऐसे हो रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, तो कोई बंदा यहां बैठा था तो वो अपना छाता ऐसे लेके बैठा था, ऐसे लेके बैठा था, और इसको ये 20 मीटर पर सेकेंड से फील हो रहा था, इसको ये 20 मीटर पर सेकेंड से फील हो रहा था। और ये मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने खाली यहां पे नीचे की तरफ, लेकिन जब ये दौड़ने लग गया आदमी तो बारिश इसको ऐसे फील होने लगी, ऐसे फील होने लगी, इसको ऐसे फील होने लगी। जब हम ऐसे दौड़ने लगे तो उस केस में क्या करेगा, ये छाता ऐसे रखेगा वर्टिकल से 37 डिग्री, और ये बारिश जो इसको लगेगी ना 25 मीटर पर सेकंड से लगेगी इस दौड़ते हुए आदमी को। किस आदमी को? जो ये आदमी रोड पे दौड़ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। मतलब क्या हुआ? मतलब मेरा ये हुआ कहने का कि अगर ये आदमी यहां बैठा होगा
तो छाता ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा, बारिश सीधी सीधी आएगी, लेकिन दौड़ने लगेगा तो उसको ऐसे ऐसे दौड़ना पड़ेगा, छाता ऐसे करके दौड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब खड़ा रहेगा तो उसको बारिश 20 मीटर पर सेकंड से फील होगी, लेकिन ये जब दौड़ेगा तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, छाता ऐसे करना पड़ेगा। और जितनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जितनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे ऐसे है अभी थोड़ा वॉक करेगा तो छाता ऐसे झुकाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर इसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, स्पीड तेज कर दी, तो छाता ऐसे झुकाना पड़ेगा। अगर इसने स्पीड अपनी और तेज कर दी, और तेज, छाता और करना पड़ेगा इधर। क्यों? क्योंकि जितना मैन का वेलोसिटी बढ़ेगा रिजल्टेंट उतना ही उसकी तरफ जाएगा। तुम जानते हो जो बड़ा मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट हमेशा उसकी तरफ झुकता है। तो मैन की वेलोसिटी जैसे अभी खड़ा था मैन तो ऐसे था, मैन की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई तो इसकी स्पीड के साथ साथ छाता ऐसे झुकना चलाएगा। इस हिसाब से छाते को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अपनी पोजीशन। अगर बारिश से बचना है तो पहले अब ऐसे करना पड़ेगा, बिक जाएगा, अभी ऐसे था, दौड़ने लगेगा तो ऐसे करना पड़ेगा छाता। क्यों? क्योंकि इसको रेन ऐसे अपीयर होगी, ऐसे अपीयर होगी, किस स्पीड से होगी, कैसे होगी, ये तुम्हें दिख गया, ठीक है ना। अब आइए इसी में दूसरी सिचुएशन करते हैं हम लोग, इसी में दूसरी सिचुएशन करते हैं। क्या? मैन इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स। इसका मतलब अब आदमी ऑब्जर्व करता है, तो इस आदमी को लगता है रेन जो है 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो अब फर्क क्या हुआ दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में? यहां पे बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन वो विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया है, वो कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। और किधर दिया है? नीचे की तरफ दिया, जे माइनस जे। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना बेटा? वो तो हॉरिजॉन्टली चलेगा, 15 आई कैप। मान लेते बाय डिफॉल्ट इधर ही जा रहा है, इधर मान लेते तो उल्टा जाता, क्या फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू मैन, बताओ। मैन के रिस्पेक्ट टू, देखो तुमने लिखते ही निकाल लिया आंसर, हो गया। निकालना किसके रिस्पेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालना है। पहले हम मैथमेटिक्स करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर हम एक बार डायरेक्ट ड्राइंग करके करेंगे ना, दोनों करेंगे। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला होता है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड लिखा जाएगा वो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब रेन की वेलोसिटी जो मैन के रिस्पेक्ट में होगी उसमें मैन की वेलोसिटी जोड़ देना है। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने जाओगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन माइनस है 20J, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये है आपका 20i। ये आइए जरा इसको ड्रॉ करते हैं, आइए इसको ड्रॉ करते हैं। क्या माइनस 20J? ये मैंने क्या कर दिया है, कैलकुलेशन कितनी गलत करता हूं मैं, 15 होगा ना, ये तो लिखा हुआ 15 यहां लिख दिया मैंने, देखो क्या ये 15 है, 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुमने बात नोटिस करी थी क्या? दिखाएं, आओ दिखाते हैं। जब मैन ऐसे था, ऐसे था, छाता ऐसे था, जब मैन इधर भागना शुरू करता था, इधर भागना शुरू करता था, जब मैन इस तरफ जाता था, इस तरफ जाता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, तो रेन कैसे ट्विस्ट होती थी? ऐसे था मैन, अगर इस तरफ जा रहा है तो रेन इस तरफ ट्विस्ट होती थी, उल्टा डायरेक्शन में ट्विस्ट होती थी। मैन ऐसे जा रहा तो रेन ऐसे ट्विस्ट होती थी, तभी तो रेन ऐसे लगती थी, ऐसे, तभी तो उसने छाता ऐसे कर लिया था। तो जिधर मैन जाता है उसके उल्टा डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होती है, जान लो, जिधर मैन जाता है उसके उल्टा डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होती है। देखो कॉपी पलट के देखो, जिधर मैन जाता है उसके उल्टा डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होता है।
नहीं सर मैं देखो मैन आगे गया था ना, इधर जा रहा था ना, रेन इस तरफ ट्विस्ट हो रहा था, ये कह रहे हैं हम। आप समझ गए ना, छाता की बात नहीं कर रहे हैं, मैन जा रहा था उसके उल्टा डायरेक्शन रेन ट्विस्ट होता है। तो रेन अभी इधर चल रहा बाबू ऐसे, ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या है, ये माइनस वीएम। देखो मैन इधर जा रहा था, रेन ऐसे आ रही थी, उसको ट्विस्ट करके सीधा कर दिया। नहीं समझ आया, ये तो मैंने लिखा है, खाली जो लिखा है उसी को लिख दिया हमने यहां पे, और करके देखे अगर मुझे ड्राइंग करके देखना तो मैं ऐसे करता। कैसे देखो, मुझे निकालना है, मुझे वीआरएम पता है, हमें वीआरएम पता है, ये वीआरएम पता है, और मुझे चाहिए वीआरजी। तो मान लेते मैं इधर जा रहा था तो माइनस वीएम इधर हो जाएगा, तो पक्का रेन इधर ही रहा होगा। सोचना ही नहीं है, वीआरएम सीधा है, मैन या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो अगर मैन आगे जा रहा तो माइनस वीएम इधर होगा, तो वीआर माइनस वीएम को जोड़ते हैं तभी तो वीआरएम मिलता है, इसका भी ऐसे रहा होगा। वीआरजी माइनस वीएमजी, मतलब वीआरजी में वीएमजी माइनस का जोड़ दोगे तभी तो वीआरएम मिलेगा। तो इसमें इसमें ऐसे कर दो तो सीधा जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया बेटा, तो अगर मुझे लिखना हो क्या वीआरएम का मैग्नीट्यूड लिखना हो या वीआरजी लिखना हो, तो यहां वीआरजी क्या होगा बेटा, यहां तो वीआरजी जो है वीआरएम का स्क्वायर प्लस वीएमजी का स्क्वायर है, इसीलिए हमने कहा था रटना मत, जैसा फोटो है वैसे सॉल्व करना। तो अगर रेन टेढ़ी नहीं होगी, सोचो रेन टेढ़ी नहीं होगी तो सीधी कैसे होगी, तो रेन टेढ़ी रही होगी और मैन इधर गया होगा तभी तो इधर ट्विस्ट किया होगा, यही कह रहे हैं। लेकिन हमने बोला नहीं, हमने कहा तुम दिमाग पर जोर तो दो कम से कम कि हम क्या बकवास कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं बोला ये, बोलने के बाद जानबूझ के नहीं बोला ये, क्यों रेन टेढ़ी होगी तुम इधर जाओगे तभी तुम ये सब ट्विस्ट होकर सीधी लगेगी, अब हिला दिमाग में कुछ, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा वीआरएम इधर होगा, रेन ऐसे गई होगी, पक्का मैन इधर की तरफ रिलेटिव वाला ऐसे लगेगा, तो मैन गया आगे होगा तभी तो माइनस वीआरएम इधर, माइनस माइनस वीएम इधर होगा, होगा तो एक्चुअली मैन आगे दौड़ा होगा तभी माइनस वीएम इधर लिखा है, ये आ गया। अब वीआरजी वीआरएम का स्क्वायर कर दो, ट्वेंटी फाइव आ गया, ट्वेंटी फाइव आ जाएगा। कितने एंगल पे था, होमवर्क है थीटा बताओ, होमवर्क है ये। कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, मुझे पता है थोड़ा ही समझ में आया होगा, कुछ लोगों को चमक गया होगा, कुछ लोगों को थोड़ा चमका होगा, कुछ लोगों को अब चमकने वाला होगा और ज्यादा। अब हम मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे, अब खाली ड्राइंग करेंगे, खाली ड्राइंग करेंगे। अब देखो कैसे, मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, मतलब रेन ऐसे हो रही है, ऐसे आ रही है, और आदमी को अपना छाता ऐसे रखना पड़ रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री पर। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां आदमी ऐसे खड़ा है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग विद 10 किलोमीटर पर आवर, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप हिटिंग वर्टिकली। अब मैंने रेन को ऐसे मान लिया है, मान लो मैंने मान लिया है, तुम ऐसे भी मान सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब खुद बताओ ये आदमी किधर दौड़ेगा, इस तरफ दौड़ेगा या इस तरफ दौड़ेगा,
तुमको पता है जिधर आदमी दौड़ता है उसकी उल्टी डायरेक्शन रेन ट्विस्ट होती है, आदमी इधर दौड़ेगा तो रेन इधर ट्विस्ट होगी, तब तो ये और सीधी हो जाएगी। तो पक्का ये आदमी इधर नहीं दौड़ा होगा, इस तरफ नहीं दौड़ा होगा। ये वाला ऑप्शन सोचना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि ये रेन ऐसे गिर रही ना, आदमी जब इधर दौड़ा होगा, इधर दौड़ा होगा, इस तरफ दौड़ा होगा, तो रेन इधर तरफ ट्विस्ट हुई होगी। तो क्या हुआ होगा एक्चुअली? क्या है? माइनस वीएम इधर हुआ, वीआर जी इधर हुआ, तभी तो वीआरएम इधर होगा। वीआरएम क्या लिखते हो? यही तो लिखते हो, वीआरजी में प्लस कर दो माइनस वीआरएम, सॉरी वीएमजी। सो वीआरएम ये वीआरजी माइनस वीएमजी कर दो। ये एंगल क्या है? थीटा। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो क्या खत्म काम? अब तुम्हें जो निकालना है निकालो, जो निकालना है निकालो। अरे दौड़ रहा था मैं 10 किलोमीटर से दौड़ रहा था, तो इसकी स्पीड वीएम का मैग्नीट्यूड 10 दिया है, तुम्हें वीआरएम चाहिए, निकाल लो। वीआरएम कैसे निकालोगे? ये वीआरएम है, ये वीएम है, तो क्या आएगा? बड़ी आराम से निकाला जा सकता है। कैसे? देखो, वीएम डिवाइड बाई वीआरएम इज इक्वल टू टेन 30। सो वीआरएम क्या हो जाएगा? वीएम डिवाइड बाई टेन 30, 10/√3। एक आंसर हो गया जो पूछा नहीं गया हमसे, हम निकाल रहे खाली मस्ती में, क्योंकि मैं समझ में आ रहा है हमसे क्या पूछा गया। हमसे तो पूछा गया वीआरजी, वीआरजी पूछा गया है। लो लिख दो, वीएम डिवाइड बाई वीआरजी इज इक्वल टू साइन 30। सो वीआरजी क्या जाएगा? वीएमजी डिवाइड बाई साइन 30, साइन 30 होता हाफ, तो वीआरजी क्या जाएगा? टू टाइम्स ऑफ वीएमजी, मतलब 20। कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है ये, सच में बहुत इजी है। एक बात याद रखो, जिधर आदमी जाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होगा। चलो मेरे साथ बोलो, जिधर आदमी जाएगा उसके उल्टी डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होगा। तो बोलो भैया, जिधर आदमी जाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होगा। न याद हो रहा हो ना तो फिर बोल दो, क्या? जिधर आदमी जाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होगा। और न याद आ रहा हो तो उसको कमेंट करके लिख देना। एक बार कमेंट जब टाइप करोगे, जिधर आदमी जाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होगा, ऐसे मौसम हैशटैग कर दो, अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। और जितनी बार तुम कमेंट करोगे उतनी बार और याद रहेगा आपको। और देखो, तुम खुद देखो, तुमने क्या देखा? रेन टेढ़ी आ रही थी, तुमने तुरंत गेस कर लिया कि आदमी इधर गया होगा, नहीं इधर गया होगा, क्योंकि रेन को ट्विस्ट करा के सीधा करना है। रेन को ट्विस्ट करा के क्या करना है? सीधा करना है। और सीधा कैसे करोगे? सीधा कैसे करोगे? सीधा तो तुम कर ही नहीं सकते जब तक तुम इधर की तरफ ना दौड़ो, इसीलिए आदमी इधर की तरफ दौड़ा होगा। इधर दौड़ना पाप है, नदी किनारे पाप है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो अब आइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। रेन मैन का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारी तबीयत हरी हो जाएगी। कैसे? देखो, अ रेन ड्रॉप अपीयर्स टू फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन टू पर्सन हु इज वॉकिंग एट अ वेलोसिटी 3 m/s इन अ गिवन डायरेक्शन। एक आदमी है जो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको रेन वर्टिकल फॉल हो रही है, इसका मतलब रेन टेढ़ी गिर रही थी, अब उसको सीधी लग रही है। रेन टेढ़ी तो गिरी सकती है, हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, ऐसा करके, है ना। चलो, व्हेन द पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन द रेन ड्रॉप अपीयर्स टू कम टू मेक एन एंगल 45 फ्रॉम द वर्टिकल। उस केस में जब वो अपनी वेलोसिटी डबल कर देता है तो रेन की वेलोसिटी
45 डिग्री बनाता है किधर, वर्टिकल से दूसरे डायरेक्शन में। मान लो फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड ग्राउंड। इसमें थोड़ा एक दो चीजें और ऐड कर देते हैं, क्या रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ, पहले वाली और बाद वाली, पहले वाली और बाद वाली, दोनों बताओ। इसीलिए हमने इसको थोड़ा ऐसे लिख रखा था जिससे थोड़ा और आपको समझ में भी आए क्या कहानी चल रही है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बताओ। ठीक, तो तीन बातें बतानी है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि चेंज होगी नहीं, चाहे पहले देखो चाहे बाद में देखो, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैन पहले और जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तब बाद में। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है लेकिन 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 बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व करना है। कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हम ड्राइंग से करेंगे। हमने क्या सिखाया आपको इतनी देर में, ड्राइंग सिखाई, कैलकुलेशन सिखाई। कैलकुलेशन में हमने कहा जान लो लेकिन ड्राइंग पे ज्यादा विश्वास रखो, है ना। हमने आपको एक छोटी सी बात बताई, जिधर आदमी चलता उसके उल्टा डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट करती है, बहुत तगड़ी बात बताई मैंने, इस पर अमल करो सोचो। और अभी जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें इस पर रेन मैन के खूब क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आओ क्वेश्चन क्या है जानो। देखो एक बात बता दे, रेन टेढ़ी गिर रही थी, समझने के लिए हम इस तरफ मान लेते हैं रेन टेढ़ी गिर रही है, आप दूसरी डायरेक्शन में भी मान सकते हो, इस तरफ भी मान सकते हो, हमने टेढ़ा मान रखा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे रेन गिर रही थी, रेन वर्टिकल लग रही है एक आदमी को, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। अब खुद बताओ मैन किधर चला होगा, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। वीडियो रोको ए लड़के, वीडियो रोको, बताओ आदमी किधर दौड़ा, ये पहला या ये इधर दूसरा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर हमने रेन को इस तरफ मान लिया गिरते हुए टेढ़ा, तो आदमी किधर दौड़ा होगा, इस तरफ या इस तरफ। अगर इधर दौड़ेगा तो इसके उल्टा डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा, तो रेन अभी किधर गिर रही थी, ट्विस्ट इधर हो जाएगा, ओए हे, तो रेन और सीधी हो जाएगी, जबकि रेन होकर गिर रही है। आदमी जब इधर दौड़ रहा है, नहीं सॉरी उधर दौड़ रहा है, तो रेन उधर ट्विस्ट हो रही, जबकि रेन को तो सीधा होना है। इसको आदमी को इधर दौड़ाए तो उसके उल्टा इधर ट्विस्ट कराए। चलो बोलो मेरे साथ, एक बार बुलवाया तो फिर बुलवा रहे हैं क्या, जिधर आदमी चलता है उसके उल्टे डायरेक्शन में रेन ट्विस्ट होता है, होता है भैया। इसका मतलब आदमी इधर चलेगा तभी रेन की वेलोसिटी इस तरफ ट्विस्ट हुई होगी। आइए इसकी ड्राइंग करी जाए। रेन की वेलोसिटी इधर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, और ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ द मैन लेकिन उल्टी डायरेक्शन। बोलो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये इतनी बात है, ये इतनी बात है। अब क्या हुआ, इस आदमी ने अपनी वेलोसिटी डबल कर दी, इस आदमी ने अपनी वेलोसिटी डबल कर दी, ये अब जो ये रेन ऐसे थी, क्या लग रहा है, जब पर्सन अपनी वेलोसिटी डबल करता है द रेन अपीयर्स टू कम टू मेक एन एंगल 45 फ्रॉम द वर्टिकल। अब ये ऑब्वियसली रेन जो है 45 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, तो इस तरह भी बनाएगा। तो अब ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन लेकिन नई वाली वेलोसिटी है ऐसे। ठीक है, थोड़ा उधर ज्यादा हो गया ड्रॉइंग में, हम बहक गए,
इसको हम सही कर लेंगे, तो हम सही कर लेंगे। अब सही हो गया ऐसे, ये 45 डिग्री है कह रहे हैं। हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, बाकी लोग बहुत तेजी से कर सकते थे, तुम भी करोगे अगली बार बहुत तेजी से। और ये आईआईटी का आया क्वेश्चन है, लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन करके पन्नों भर के, हम गर्दा उड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्दा उड़ा देते हैं। ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा देखो, ये वाली साइड लेंथ जो है, ये तो पहले भी थी, ये वाली साइड लेंथ पहले भी थी, ये लेंथ यहां की ये लेंथ के बराबर है। देखो ये लेंथ बराबर है ना, क्योंकि डबल किया था, तो ये बराबर हो गया, ये कॉमन हो गया। ये 45 डिग्री, तो ये 45 होगा कि नहीं होगा? हां सर होगा। क्यों? ये एक जैसा, ये एक जैसा, 45 हो जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। क्यों? क्योंकि आदमी की जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर है, ये इतना 3 है, ये इतना 3 है, ये भी इतना 3 होगा, ये 45 डिग्री हो गया। तो बस भैया दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, झमाझम तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आओ, ये वेलोसिटी ऑफ रे है विद रिस्पेक्ट टू द मैन है पहले वाली, और ये इतना 3 है, और ये आपका ये था 45 डिग्री। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, नई वाली वेलोसिटी। यार ये 3 है, ये 45 है, ये तो भैया एक कॉमन सेंस की बात है। अब ये मत कहना कि मेरा कॉमन सेंस नहीं है, मेरा तो अनकॉमन सेंस है, ठीक है। ये क्या जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन क्या आएगा नई वाली? 3√2 3√2 हो जाएगी, ये 3√2 हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 3 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पहले वाली 3 है, बाद वाली 3√2 है। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी कितनी है? अरे ये 3, ये 3, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3√2। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगी? 3√2। बस आ गया आंसर। क्या है आंसर? देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन पहले वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कितना है? 3 है। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन बाद वाली वेलोसिटी कितनी है? 3√2। अब दूसरी वाली बात क्या? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी है? वो 3√2। कैसे? लिख देता हूं मैं, यहां ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे था ये, ऐसे था ये, ऐसे था ये, 90 हो जाएगा, ये इतना 45 है, ये इतना 45 है, ये वाली जो लाइन है, बस मैं ड्राइंग कर रहा हूं, वो स्लो ड्राइंग कर रहा हूं। पता है कुछ बच्चे हो सकता है बोर हो जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं बोर हो जाओ तो, लेकिन कुछ बच्चे बहुत तगड़ी चीज सीख जाएंगे आज। क्या? कि ड्राइंग बहुत असरदार चीज है, इसीलिए जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ड्राइंग सिखाया था, ठीक है ना। ऐसे ये इतना लेंथ 3 है, ये इतना लेंथ 3 होगा, ठीक है, ये इतना क्या है? 3 होगा, जो ये मैग्नीट्यूड है ना। बस हो गया, इसका नाम है VRM, ठीक है। तो ये 3, ये 3, ये 3√2, ये 3, ये 3, ये 3√2। चिल करो ब्रो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। अभी क्विक रिकैप कराएंगे, बढ़िया रिवीजन कराएंगे, आपको डिटेल में रिवीजन कराएंगे, ठीक है। चलो आओ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है दो ऑब्जेक्ट के बीच का? आओ इसको थोड़ा और तरीके से देखें। कैसे? आओ बताएं कैसे। मान लो ये देखो, ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक इंक से लिखने वाला भाई, थारा भाई, कौन जो ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक इंक से लिखता है? चलो ठीक है, अब देखो क्या है,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मान लो यहां कोई आदमी बैठा हो, ठीक, और इस लाइन पे कोई आदमी चल रहा हो, इस लाइन पे कोई आदमी चल रहा हो, इस लाइन के लॉन्ग कोई आदमी चल रहा हो, ऐसे, तो इस आदमी की इस आदमी से ये है टू नंबर, ये है वन नंबर। अब आप सोचो चिंटुआ मिंटुआ वो गए नानी के यहां, ठीक है, जब रिलेटिव मोशन पढ़ाया जाता है तो नानी के यहां चले जाते हैं वो, अच्छे अच्छे में चले जाते हैं नानी के यहां, चिंटू मिंटू किस खेत की मूली। तो भैया ये ऐसे उड़ते हुए जा रहा था, आपको बताना है वन से इस टू आदमी की सबसे छोटी दूरी क्या है। तो बहुत सारे बच्चे देख के बता देंगे, बहुत सारे हो सकता है कंफ्यूज हैं। तो देखो इस आदमी से इस आदमी की बहुत सारी अलग अलग दूरियां हो सकती हैं, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो। ध्यान से देखोगे तो ये हो सकता है उसी लाइन पर उड़ रहा है, तो हो सकता है कभी यहां भी रहा हो, कभी यहां भी, तुम कहां जा रहे हो, रुको इधर, कभी यहां भी रहा हो, कभी यहां भी रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते सर ये तो आप बिल्कुल बहुत टाइम ले रहे थे, हम तो पहले ही समझ गए थे इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा वही सबसे छोटा दूरी होगा। होने को तो बहुत सारी होंगे लेकिन इस आदमी के लिए सबसे छोटी दूरी ये होगी, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर है और यही शॉर्टेस्ट भी है। आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब एक आदमी चल रहा था, एक बैठा था, तो आराम से क्या किया आपने, जो चल रहा था उस पर उसकी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, सबसे छोटी दूरी निकाल ली। ये तो किया, जब दो लोग चल रहे थे तो आपने क्या किया, मतलब एक लोग चल रहे थे तो आपने क्या किया, जो चल रहा था उसकी लाइन ऑफ साइट पे परपेंडिकुलर डाल दी, या लाइन ऑफ साइट वाले लाइन ऑफ मोशन पे, इस वाले के लाइन ऑफ मोशन पे इसने परपेंडिकुलर डाल दिया, सबसे छोटी दूरी निकाल ली। गलत कह रहे हैं क्या भाई, इसकी लाइन पे इसने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक ठीक सर। अगर दो लोग चले तो, मतलब अगर दो लोग चल रहे हो तो, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहां पे दो लोग हैं, एक अभी इधर जा रहा है, U1 से, और दूसरा अभी जा रहा है इधर U2 से। ये सबसे इजीएस्ट केस ले रहे हैं बेटा आपको समझाने के लिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस केस में कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस केस में कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब आप कह रहे हो कि एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, यही कह रहे हो ना। हाँ तो हम तो कह रहे सर यही हो जाएगा, एल हो जाएगा, और क्या एल हो जाएगा, पक्का एल हो जाएगा, हमको तो लग रहा है एल मिनिमम जो इनिशियल होगा वही हो जाएगा, क्या बुराई इसमें। आओ जरा वैज्ञानिक बने हम लोग, देखो बेटा क्या है, किसी इंस्टेंट पर ये यहां है, ये यहां है, अगले क्षण ये हो सकता है यहां हो, ये हो सकता है यहां हो। अब इनके बीच की दूरी तो ये होगी, ये होगी, क्या ये एल एल है, नहीं है। फिर हो सकता है अगले टाइम पे
अगले टाइम पर ये यहां हो, ये यहां हो, अब इनके बीच की दूरी ये होगी। क्या ये एल से कम है? लग तो रहा है सर, किसी समय पर हो सकता है, किसी समय हो सकता है ये यहां पहुंच जाए, ये यहां पहुंच जाए। अब इनके बीच की दूरी अगर निकाले हम, तो यहां तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है भाई। दोनों जो एक साथ मूव कर रहे हैं तब के बता रहे हैं, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है ये भी एल मिनिमम हो, ये भी एल मिनिमम हो, ये भी एल मिनिमम, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे पता करें कौन एल मिनिमम है कौन नहीं है? सर एक जुगाड़ है मेरे पास। क्या? कैसे? दिखाता हूं क्या जुगाड़। जुगाड़ ये है सर, अगर 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 ऐसा हो जाए कि आप जो है ये पता कर लो, ये कितना यहां खिसक के गया, ये कितना यहां खिसक के गया, तो हम पता कर लेंगे ये कितना है, l माइनस वाई होगा। फिर हम ये निकाल लेंगे किसी इंस्टेंट पे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे r। फिर तो हम करेंगे ये क्या, हम करेंगे ये कि r निकाल लेंगे, r की वैल्यू क्या आएगी, l माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे। हाँ चलो ठीक है, y हम निकलवा देंगे कैसे, ये अगर मान लो v2 से चल रहा है और ये मान लो v1 से चल रहा था, तो x की तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, v1t, और y की वैल्यू हो जाएगी v2t। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या लिखेंगे, l माइनस v2t का स्क्वायर प्लस v1t का स्क्वायर। फिर हम करेंगे क्या, dr by dt लगा के या मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व कर लेंगे, dr by dt जीरो करेंगे, फिर d2r by dt स्क्वायर निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया है ना, चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा, इन शॉर्ट ऑफ दुनियादारी मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, निकाल लेंगे। तुमको लगता है ये मास्टर जो इतना कामचोर है वो ये सब करेगा? ना, लेकिन ऐसे करते हैं लोग, करते हैं ऐसे। हम कैसे करेंगे? इसीलिए तो रिलेटिव मोशन पढ़ाया है मेरी जान। किस लिए? रिलेटिव मोशन पढ़ाया है कि आप आसानी से चीजों को कर सकें। समस्या तब पैदा हुई तुम्हारे जीवन में जब दोनों चलने लगे। समस्या कब नहीं होगी? जब एक चलेगा। सर यूं कैसे होगा? याद करो रिलेटिव मोशन का पहला दिन, जब हमने बोला था दो चलेंगे एक चलाओ, दो चलेंगे एक चलाओ, दो चलेंगे एक चलाओ, दो चलेंगे एक चलाओ, एक को रेस्ट पे मान लो। जब तुमने देखा था पाठशाला तुम्हारी तरफ आ रही थी, तो तुम अपने आप को स्टेशनरी पाठशाला चला दिए थे। दो लोग चल रहे थे, दो गाड़ियां चल रही थी, क्रॉसिंग ओवरटेकिंग की बात कर रहे थे, गाड़ी रोक दिए, एक गाड़ी रोक दिए, दूसरी चला दिए, तो कितना आसानी से चीजें सॉल्व हो रही थी। वही आज करने जा रहे हैं, तो वही करेंगे तो आसानी से कैसे आ जाएगा? देखो यार, जब वही करोगे तो आसानी से आ जाएगा। कैसे? एक रोक दो, एक चला दो, आसानी से परपेंडिकुलर डाल दो, निकाल लो। हां यार, अच्छा इसीलिए सब पढ़ा रहे थे क्या? तुमको क्या लगा था, तुमको क्या लगा था? तो बेस्ट क्या होगा? बेस्ट जानते हो क्या होगा?
अगर मान लो एक सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, अगर मान लो कोई बंदा है जो इधर जा रहा है U1 वेलोसिटी से, और कोई दूसरा बंदा है जो U2 वेलोसिटी से जा रहा है, इनके बीच का सेपरेशन L है, इनके बीच का सेपरेशन L है, और आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में हम करेंगे क्या? उस केस में हम इस पूरे अरेंजमेंट को बार बार हम कर क्या रहे हैं, हम भी बिल्कुल पगले हैं। उस पूरे केस में हम इस पूरे अरेंजमेंट में एक को रोक देंगे, एक को चला देंगे, एक को रोक देंगे और दूसरे को चला देंगे। उससे क्या होगा? उससे चीजें आसानी से हो जाएंगी। क्या जाएंगी? आसानी से हो जाएंगी। कैसे आसानी से हो जाएंगी? मैं वन को रोक रहा हूं, टू को चला रहा हूं। होमवर्क क्या है? आप टू को चलाओगे, मतलब टू को रोकोगे, वन को चलाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? मोशन ऑफ टू देख रहे हैं, मोशन ऑफ वन देख रहे हैं। चलो मान लो विद रिस्पेक्ट टू टू देख रहे हैं, आप क्या करोगे? आप मोशन ऑफ टू देखोगे विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक, देखते हैं दोनों भाई का क्या आएगा। अच्छा सर, आप हमसे बड़े अंकल लग रहे हैं, भाई भाई कर रहे हैं। अरे पगले पगले हो क्या? हम दोनों की उम्र बराबर ही बराबर है, समझे? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो। हम तुमसे कितने साल बड़े होंगे? 6-7 महीना बड़े होंगे बस, और क्या। चलो इधर देखो, अच्छा पहले तुम हाल, तुम पंचायत ना करो। वन की देखना है विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब हमें इसके रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो वन की वेलोसिटी किधर है? वन की वेलोसिटी इधर है, माइनस यू टू इधर हो जाएगा। उल्टा करके देते हैं वेलोसिटी, तो अगर हम देखें तो इसको इधर कर सकते हैं। अभी तुम समझो क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम क्योंकि हमें लिखना है क्या? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो क्या लिखेंगे? वन की वेलोसिटी में से टू की वेलोसिटी क्या कर देंगे? माइनस, उल्टा करके जोड़ देंगे। इसका मतलब ये इधर जाता हुआ लगेगा, कौन? ये इधर, ऐसा। किसको? टू को। तो टू को ये बंदा इधर जाता हुआ लगेगा, टू को ये आदमी इस डायरेक्शन में जाता हुआ लगेगा, टू को ऐसे, ये वन इधर जा रहा होगा, टू इधर आ रहा होगा, लेकिन टू के लिए वन का पाथ ऐसा है, टू के लिए वन ऐसे इस रास्ते पर जाया। क्यों? वन की वेलोसिटी में टू की वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दी हमने, तो वन की वेलोसिटी में टू की वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दी हमने। देखो ऐसा नजर आएगा। क्या निकालना है आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अब ये आदमी इस डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा, तो इस आदमी की सबसे छोटी दूरी क्या है? काम खत्म, पैसा आजम, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस आदमी ने इस डायरेक्शन चलना शुरू किया, इस जगह से इसकी सबसे छोटी दूरी कितनी? इतनी है। सो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए थीटा, ये पूरा एल पता है, तो एल परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या जाएगा? एल साइन थीटा। बस इतना ही करना होता है। अब ये बताओ, इस वाले केस में अच्छे से इमेजिन हो रहा है या इस वाले केस में अच्छे से इमेजिन हो रहा है?
भाई ये रुका था, ये चल रहा था, ऐसे जाता नजर आएगा। इतना आसान है ये। सर कोई न्यूमेरिकल दो, चेक करें अपने आप को, आओ न्यूमेरिकल करते हम लोग। द कार बी इज अहेड ऑफ कार ए 100 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड एट अ गिवन टाइम। एट दिस टाइम कार बी टर्न लेफ्ट ऑन अ रोड विच मेक्स राइट एंगल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। इफ बोथ कार आर मूविंग एट अ सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर देन द फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द कार वन एंड द कार टू। ऐसा है तो कौन सी कार थी आगे? कार बी। यहां पे कार बी अहेड है, ये यहां पर है। कितना अहेड है? 100 किलोमीटर। ये इधर तरफ आ रही है 10 से, ये इधर जा रही 10 से। अब इसने टर्न ले लिया, 90 डिग्री टर्न कर गई है। ये तो वही केस हो गया जो आपने भी कराया था। देखो कार ने लेफ्ट टर्न ले लिया, जा रही थी ऐसे, लेफ्ट टर्न ले लिया, अब ऐसे जाने लगी। मतलब ये इधर जा रही है, इधर जा रही। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। कॉमन सेंस से सोच के देखो, ये तो ऐसे लग रहा है कि जब ये कार यहां हो, यहां पहले थी, यहां ऐसे थी, कुछ देर बाद ये कार यहां आ गई, ये कार यहां पहुंच गई, ये डिस्टेंस होगी। फिर जब यहां पहुंची ये जाएगी, ऐसे चेंज होगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना की क्या जरूरत है भैया? इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ के कर पाओगे? नहीं। तो हम बेस्ट तरीके से कैसे करें? बेस्ट तरीका यह है भाई कि आप क्या करो, आप सिंपल सा फंडा यह लगाओ कि एक को रोक दो, एक को चलाओ, एक को रोक दो, एक को चलाओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कुछ इस तरह से। कैसे? किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। तो हम जो है किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, आप दूसरे के रिस्पेक्ट में करके देखना आता भी है कि नहीं आता आंसर। ठीक है बेटा, चलो अभी हम जो करने जा रहे हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में मोशन ऑफ बी, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ेंगे। तो बी इधर जा रहा था 10 से, ए इधर जा रहा था, तो ए ने अपनी वेलोसिटी इधर दे दी 10। ये वेलोसिटी हो गई 10। ये वेलोसिटी आएगी किसकी? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए यहां पर था, क्या लिखा हमने? ये जो वेलोसिटी लिखी वी ए, ये मतलब माइनस ऑफ वी ए लिखी तो माइनस चल जाएगा। ये क्या है? ये वी वी लिखी हुई है ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो इधर आएगी ना, आएगी। इस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है, ये है एल परपेंडिकुलर, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। काम खत्म, पैसा आज हम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हां सॉल्व हो गया, उसमें तो बता देता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और अगलम बगड़म और मैक्सिमा मिनिमा। नहीं, हो गया सॉल्व, हो गया, हां हो गया। तो ये एंगल निकाल ले हम थीटा, निकाल लीजिए। ये एल पता ही था कितना था, थीटा निकालना कितना डिफिकल्ट टास्क है। हमने पहले था राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी सारा काम हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, तो 45 डिग्री हो गया, ये तो 45 हो गया, हां हो गया 45। तो क्या जाएगा? 45 हो गया, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो एल परपेंडिकुलर क्या आएगा? एल परपेंडिकुलर आएगा एल साइन थीटा, मतलब 100 साइन 45, मतलब 100 बाई रूट टू,
लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। मैंने बहुत टाइम लिया है मैं मानता हूं, लेकिन मुझे समझाना था तुमको बिल्कुल डिटेल में, जिससे कभी जीवन में तुम्हें तकलीफ ना हो। क्यों परपेंडिकुलर डालते, कैसे डालते, सब बताना था मुझे, इसलिए इस तरह बताया। पूछ रहे कितना टाइम लगेगा, ठीक है ये बताओ ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, टाइम निकालने जा रहे हैं, ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए ये आदमी यहां से चलना शुरू करता, यहां तक पहुंचा था, ये लेंथ इसने कवर करी, जितनी देर में ये लेंथ इसने कवर करी वही टाइम हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। हाँ टाइम निकालना है, हाँ तो टाइम कैसे निकालेंगे आओ बताएं तुमको, टाइम कैसे निकालेंगे देखो, बहुत आसान निकालना टाइम, कैसे कैसे, डिस्टेंस तो निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, टाइम कैसे निकालेंगे। एक बात याद रखो मेरी, 1000 करोड़ की बात है क्या, बोलो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ लिखते हैं क्या, हाँ क्या, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन, कुछ लोग कहेंगे सर अपोजिट हो तो, अबे डायरेक्शन मतलब लाइंस है यहां, उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हमें पता है कुछ लोग जलते हैं, वो कहेंगे गलत स्टेटमेंट, हम कहां करें सही है, गलत है ये, लेकिन सही है। यहां डायरेक्शन का मतलब एक्सिस से है, डायरेक्शन का मतलब एक्सिस से है, जिस एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं उसी एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, उसी एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लिखते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पार्टिसिपेट करेगा, वाई डायरेक्शन देखो तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पार्टिसिपेट करेगा। यह कहने का मतलब है अगर आप इस डायरेक्शन में भागे जा रहे हो तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पार्टिसिपेट करेगा, यह कह रहे हैं। बहुत हीरो बन रहे हो जो, तो देखो भैया ये था ए, ये सॉरी बी था, ए था, कौन था ये पीछे देखे ना, ये ए था, क्या कर रहे हैं, ये था ए, ए के लिए बी इधर चल रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इधर थी, तो ए को लगेगा कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो अपने आप को रुका हुआ मानेगा, और किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये 10√2 से जा रहा होगा, इसको लगेगा कि यार ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बस और कुछ नहीं लगेगा, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10√2 से जा रहा है, और इस समय इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी, तो इस बंदे के लिए इस आदमी ने इस डायरेक्शन में इतनी लेंथ चली है एल डैश लेंथ चली है, तो इस आदमी ने इस डायरेक्शन में इतनी लेंथ चली है, कितनी देर में, जब ये यहां पे आके परपेंडिकुलर हो रहा था। बड़ा आसान है, ये तो 45 डिग्री है, मानते हैं 45 डिग्री है, ये 100 है, ये भी मानते हैं, तो ये क्या जाएगा 100/√2 जाएगा, क्यों, अब तुम ढूंढो क्यों अब तुम ढूंढो क्यों और क्यों, ये ऐसे है, ये 100 है, ये आपका एल परपेंडिकुलर है, ये एल डैश है, ये इसका स्क्वायर ये होगा, तो ऑब्वियसली 100, ये वाकई में ये 45 डिग्री है, हाँ है, ये कॉस 45 हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, तो तुम समझो
ये आ गया 100/√2। देखते कि अच्छा मुझे मैसेज करके बताना, मैंने डायरेक्टली लिया कितने लोग समझ में आया, इतना। तो इस आदमी ने टी इक्वल टू जीरो पे यहां था, टी इक्वल टू जितना टाइम लगा होगा टी पे यहां पहुंच गया, पहुंच किस वेलोसिटी से, वीवीए से पहुंच गया। तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा इसको एल डैश डिवाइड बाई वीवीएम, ये कह रहे हैं। तो देखो इसी डायरेक्शन का डिस्टेंस, इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये कह रहे हैं। एल डैश कितना बेटा, 100/√2। टाइम बोलो, सॉरी वेलोसिटी बोलो, 10√2। क्या आएगा, कैंसिल 2, 5, 5 सेकेंड बाद यह कार्यक्रम हो जाएगा, 5 सेकेंड के बाद यह ऐसा होगा, 5 सेकेंड के बाद यह ऐसा होगा। तो 5 सेकेंड बाद यह क्लोजेस्ट होगा। तो हमने ये वाली डिस्टेंस क्यों लिखी, ये क्यों नहीं लिखा, अरे इस डायरेक्शन थोड़ी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, धमाधम बड़ा आंसर। अब आइए आपकी प्रैक्टिस के लिए उसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन अगेन विद डिफरेंट डेटा। क्यों, हम देखना चाहते कितना आपको समझ में आया। मुझे पता है मैं बहुत टाइम ले रहा हूं, तो मुझे समझाना है तुम्हें एक कंसेप्ट, बस मुझे तुम्हें एक कंसेप्ट का धुआं धुआं करना है, बस गर्दा उड़ाना है, बस तुमको नहीं उड़ाना है। तब फिर आओ, वही क्वेश्चन है ए बी से आगे, बस यहां स्पीड क्या, ए की 10 है, बी की 10√3 है। देखते हैं क्या कंपटीशन है, हमें तुम्हें हो जाए कॉम्पिटिशन, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, बोलो है हिम्मत, आर यू रेडी गाइस, शुरू करें। चलो फिर आओ जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, देखते कौन जीतेगा। देखो यहां ए है, ए है, यहां बी है, ठीक है बी है, बी इस तरफ जा रहा है, जा रहा है किससे जा रहा है, 10√3 से जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी वी। और ए की इस डायरेक्शन में कितनी है, वी ए है, कितनी है, 10 है। इस बार हम पढ़ेंगे किसके मोशन को, इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और बहुत हिम्मत है, तो मैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तुम बी के रिस्पेक्ट में कर लो, मैं बी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तुम ए के रिस्पेक्ट में कर लो, और मैच करा लो हमारा तुम्हारा आंसर, ठीक हो जाए, लगाओ भी शर्त, लगाओ भी शर्त, बस इतना ही। आओ देखें, तो भैया निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अपना जो बी है वो ए को अपनी वेलोसिटी दे देगा उल्टी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये ऐसा कुछ चित्र दिखेगा, ए इधर जा रहा था 10 से, ठीक है, बी अपनी वेलोसिटी इसको उल्टा डायरेक्शन में देगा, तो ये क्या दे देगा, अपनी वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन देगा तो नीचे की तरफ दे देगा, कितनी, 10√3 दे देगा, ठीक है चलो ठीक है। तो ये जो नजर आएगा, ये नजर आएगा क्या, कि ये ऐसे चल रहा है, कौन ये, कौन ए, किधर, इस तरफ चलेगा, ऐसे ऐसे चलता नजर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल थीटा होगा, तो क्या दिक्कत है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे, अरे सर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, चिल करिए ब्रो, हाँ याद है तुम्हें, और क्या सर, ये सब चीजें तुम्हें याद है, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जाएगा, तो वीएबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, वीएबी का मैग्नीट्यूड जाएगा ये क्या, 10√3 का स्क्वायर, क्यों, हाइपोटेन्यूस निकालना है ना सर बेस से और परपेंडिकुलर से, तो ये 300, ये 100, 420, 420 नहीं टोटल 20 आएगा, वीएबी 20 आ गया, एंगल तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा आ जाएगा, कितना, 10√3 डिवाइड बाई 10, दैट इज √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60°, बस हाँ, मतलब ये हुआ कि आप जो है, मतलब बी अगर देखेगा इसको तो ये लगेगा ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, ऐसे जाता नजर आएगा, तो इसको अगर हम अलग से साफ पेज में बनाए तो हमें कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, कैसी फीलिंग आएगी, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है,
और यहां पर बी बैठा है, बैठा है, यहां पर ए बैठा है, बैठा है, और बी जब ए को देखता है, बी जब ए को देखता है, लगता है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कौन, ए, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगा 100। तुम्हारा आंसर आया अभी तक, अभी तक मुझे पता है क्या कर रहे हो तुम लोग नकल कर रहे हो मेरा। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, अभी दिखा ले वहां पे। ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना है 20। खैर मैं एल परपेंडिकुलर चाहिए, तो एल परपेंडिकुलर क्या जाएगा, एल परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू साइन 60। क्यों, वेक्टर पढ़ाया था तो यही बताया था क्या, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए और चिल करिए ब्रो। एल परपेंडिकुलर क्या आएगा 50√3, 50√3 आंसर आ गया। कितने टाइम में होगा, तो भैया जितने टाइम में इस बंदे ने यहां से लेके यहां तक की दूरी कवर करी उतने टाइम में, कितनी दूरी कवर करी भाई, इसी वेलोसिटी चल रहा था, तो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की स्पीड लिखते हैं, तो एल डैश इज इक्वल टू ओवर वी ए वी इन टू टी, तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, एल डैश डिवाइड बाई वी ए वी, ये एल डैश कितना होगा, एल डैश डिवाइड बाई एल, सॉरी एल डैश डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या जाएगा कॉस 60, सो कॉस 60 हाफ होता है, एल डैश 50 आ जाएगा। वाह बड़ा तेज हो रहे हैं सर, और क्या, ऐसे थोड़ी ना तुमसे जल्दी निकाल लेंगे आंसर हम, तो 50 डिवाइड बाई क्या आएगा 20, ढाई सेकेंड, ढाई सेकेंड ढाई आवर, तो 2.5 आवर्स में ऐसा हो जाएगा। 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ढाई घंटे हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, कहां गया, 5 आ रहा था, 5 आवर्स आ रहा था, ओए होए अभी गिर गए थे। तो समझ में आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा, क्या समझे तुम यहां पे पहले बताओ। हम समझे ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दो लोग चल रहे एक को रोक दो भाई बस, तो क्या होगा, एक जाएगा दूसरा रुका रुका देखेगा, उसकी लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डाल दो, आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, सीधा सीधा सॉल्व करने का, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बहुत आसान है, आइए करते हैं, इसी से मिलता जुलता है, अभी और भी कराएंगे लेकिन एक क्वेश्चन और कराते हैं यहां पर, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कराऊंगा, बता रहा हूं, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन अभी माहौल बना है इसलिए आज कराए दे रहा हूं एक क्वेश्चन। अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा कि एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर तीन कुत्ते हैं, बीच में रखा है मीट मांस, तीनों कुत्ते एक दूसरे के आंख में आंख डाल रहे हैं, मैं खाएगा, तीनों कुत्ते एक दूसरे के आंख में डाल के दूसरे तक बढ़ते जा रहे हैं, और तीनों एक ही स्पीड से चलते हैं और एक दूसरे की आंख में आंख डाल के चलते हैं, बताओगे कोई कुत्ता खा पाएगा नहीं खा पाएगा, बीच में रखा है, क्या है, ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे तीन कुत्ते, बीच में रखा मीट, तीनों एक दूसरे की आंख में आंख डाल के चल रहे सेम स्पीड से, बताओ कौन सा कुत्ता खाएगा, कौन सा कुत्ता नहीं खा पाएगा, या एक को नहीं खा पाएंगे, बताना है तो वो अगली क्लास में कराएंगे। थोड़ा सा आज आपको हिंट देके जा रहे हैं इस सवाल से, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देके जा रहे हैं इस सवाल से। ये मान लो एक आदमी है जो यू से चल रहा है, यहां पर एक आदमी है वी से चल रहा है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं ए है, इनके बीच का सेपरेशन एल है, ये आदमी बी से चल सकता है, वी से चल सकता है, अब आपको बताना है ये कि ये आदमी कितना एंगल पर एम लेके चले कि इसको आगे कहीं जाके दबोच ले। ये ऐसा है कि जैसे यहां पे कोई आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है और तुम्हें निशाना लगाने से गोली मारना है, तो ऐसे मारोगे तो तुम निकल जाए, सबसे गोली आगे निकल जाएगी। क्वेश्चन लिखा नहीं लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, क्या यहां पे बैठा आदमी इसको गोली मारना चाह रहा है, यहां बैठा आदमी इसको गोली मारना चाह रहा है, ये ऐसे ऐसे भाग रहा है तो ऐसे एम लेके मारेगा क्या, बताओ
ऐसे हम लेके मारेगा क्या? कैसे? इधर की तरफ। जिसको लगता है हां बताओ कमेंट में, हां जिसको लगता है नहीं बताओ नहीं। और किसको लगता है कि इधर एक डायरेक्शन वन हो गई, किसको लगता है इधर एम लेके मारना चाहिए, फिर जाके आज ढाई से गोली लगेगी। मतलब कोई ऐसे जा रहा बोलता हुआ तो ऐसे निशाना लगा मारोगे या ऐसे एम लगा मारोगे अंदाजे से कि यहां पे अगर गोली लग जाए? बताओ, पबजी बहुत खेलते मुझे पता है तुम लोग, बताओ ना यहां लगाया नहीं जाना कि यहां लगाया नहीं जाना तू वाले पे? तो बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट का। अगर तुम लोग बता चुके हो डिलीट मत करना कमेंट, बहुत मारेंगे ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर आदमी है यहां पर और इसको गोली मारना है तो पक्की बात है एक इससे तेज वेलोसिटी से गोली मारेगा और इधर मारेगा, फिर जाके इसको गोली लगेगी। गोली मतलब गेंद वोंद मारना हो, गोली तो बहुत तेज चलती है उतना पता ही नहीं चलेगा तुमको, फिचकिया मारा उड़ गया तो थोड़ा सा आगे लगा मारोगे मर जाएगा, लेकिन बॉल वॉल फेंक के मारनी हो एम लेके मारना पड़ेगा इतना इतने एंगल पर, फिर जाके लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करें? तो अगर मान लो ऐसे मारा यहां लग गया है तो कितने टाइम बाद इसको मार देगा? एम तो पता चल गया इधर मारना हुआ, कितने टाइम बाद इसको लग जाएगा टाइम बताना है। तो अब भाई ये आदमी इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है और इसको गोली लगनी चाहिए, तो कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें? बताओ बेस्ट तरीका, एक को रोक दो एक को चला दो, एक को रोक दो एक को चला दो। तो हम जो है मोशन पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में मोशन पढ़ रहे हैं। किसका? बी का। तुम बी के रिस्पेक्ट में पढ़ना, तुम विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ रहे हैं। यार विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ोगे तो क्या आएगा? ये इधर वेलोसिटी लेके चल रहा था, इसकी वेलोसिटी इसको उल्टा डायरेक्शन मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी, ये इधर है और ये वेलोसिटी ऑफ बी है। अब ये बताओ ये टकराएगा कब? टकराएगा कब? कॉमन सेंस की बात है, टकराएगा तब जब ये गैप खत्म हो जाएगा तब। तो हम अगर इसको यहां पोज कर दें यहां पे लाके ऐसे ऐसे, तो अगर अगर ये इससे टकराना चाहता है तो ये गैप खत्म हो जाए तभी तो टकराएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस तरफ हो जाए, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इधर हो जाए, इधर तरफ हो जाए, टकरा जाए। मतलब अगर मैं इसको निशाना लगा के मारता हूं ढिशकिया हूं तो ये जाएगा ऐसे टकरा जाएगा। तो क्या करना होगा? करना ये होगा कि जब ये यहां था इतना गैप था, यहां आया तो गैप खत्म हो गया, मिला ये इतना गैप कवर कर दिया इसने। तो इस ये अगर देखेगा तो इसको लगेगा कि ये इसकी तरफ आके ऐसे गोली मार रहा है ऐसे। क्यों? क्योंकि ये तो इधर जा रहा है लेकिन इसके लिए ये इधर आता नजर आना चाहिए तभी तो टकराएगा, इसके लिए इधर आता हुआ नजर आना चाहिए तो इधर आएगा तभी तो टकराएगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, ये तो रुका है, इसको इधर आता हुआ लगेगा तभी टकराएगा। तो बस काम खत्म, पैसा हजम। कैसे भाई? इसके लिए इसकी वेलोसिटी इधर होगी तभी टकराएगा, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन तो गया। कौन सा? ये वाला, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है यू, ये वेलोसिटी है वी, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लो हो गया। क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हां कैसे? बेस, बेस। तो जिस डायरेक्शन का स्पीड उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो टाइम कितना लगेगा? L डिवाइड बाई वी, वी है तो L डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आंसर आ गया। इतना छोटा सॉल्यूशन बेटा, ये ऐसे मौसम है
समझा देर तक रहे थे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खोलनी थी, नहीं तो इसको एक लाइन में ओरली सॉल्व कर देते। कैसे? जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये जा रहा था जैसे वी से, ये इधर जा रहा था यू से, इसके रिस्पेक्ट में देखते तो इधर ही आनी चाहिए वेलोसिटी। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल थी तो रहा ऐसे, तो ये वी है ये यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो एल डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, काम खत्म, पैसा जम, ये आ जाएगा। समझा? अब आ गया हमारा क्या, क्विक रिकैप का समय। किसका आ गया? क्विक रिकैप का समय। आइए झमाझम क्विक रिकैप करते हैं। चलिए, ये जो लास्ट वाला सवाल बताया इसलिए बताया क्योंकि अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे। तो भैया क्या है रिलेटिव मोशन, 2D का कांसेप्ट बता रहे थे, एक एक्स में जाएगा एक वाई में जाएगा, एक को रोको एक को चलाओ, जिसकी मर्जी उसको रोको, जिसकी मर्जी उसको ना रोको। तो भैया हमने क्या कहा यहां पे, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन देखना है, तो टू विद रिस्पेक्ट टू वन देखेंगे, तुमको होमवर्क दिया वन की विद रिस्पेक्ट टू करने को, तो टू की विद रिस्पेक्ट टू वन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू में वन की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। तो हमने आपको लिख के दिखाया ऐसा ऐसा दिखता है, फिर हमने ड्रॉ करके दिखाया चुटकियों में, कैसे टू की वेलोसिटी में वन की वेलोसिटी पलट के दे दी, मतलब इसको इधर लगा के सुपरइम्पोज कर दिया, ऐसे आ गया। तो इसका मतलब वन को टू इस तरफ जाता नजर आएगा, आएगा भी, क्यों? ये अपने आपको रुका माने का प्रतीत जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा अब अगली बात देखना है क्या, अगली बात देखना यह क्या, अगर एक आदमी 15 से दौड़ रहा है, रेन 20 से फॉल हो रही है, तो अपना छाता वो कैसा रखेगा, अपना छाता जब खड़ा रहेगा तो ऐसे रखेगा, लेकिन जब दौड़ने लगेगा तो छाता इसको चेंज करना पड़ेगा, तो छाता ये क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, देखो भाई क्या किया उसके लिए हमने, हमने कहा ऐसे रहेगा तो छाता सीधा सीधा रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा टेढ़ा, क्यों? अब हमने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया रिलेटिव मोशन से, तो रेन की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी जुड़ जाएगी उल्टा डायरेक्शन में, तो क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे आ जाएगा, कैसे, इस तरफ से आ जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब अगर हमने को बोला गया कि ये रेन की वेलोसिटी मैन ने ऑब्जर्व करी है 20, मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन दी है किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पक्का रेन टेढ़ी डायरेक्शन जा रही होगी, क्यों, क्योंकि जिधर मैन चलता उसके उल्टा डायरेक्शन में रेन को ट्विस्ट करता है। तो क्या हुआ, रेन टेढ़ी जा रही थी तो इसको मैन ने इधर तरफ ट्विस्ट कर दिया, तो सीधी ले गई, इसका मतलब मैन इधर भाग के गया होगा तभी इस तरफ ट्विस्ट हुआ, नहीं ट्विस्ट नहीं होता। तो क्या बताया मैंने, जिधर आदमी जाता है उसके उल्टा डायरेक्शन में वेलोसिटी को ट्विस्ट करता है, ये क्या है, दिस इज द एसएम मौसम ऑफ द डे मैन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब जरा देखो क्या हो गया, अब क्या है इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आदमी अम्ब्रेला होल्ड करता है कितने पे, 30 डिग्री पे, तो ऐसे होल्ड कर रहा है अम्ब्रेला, ऐसे होल्ड कर रहा है, फिर क्या हुआ, वो छोड़ के अम्ब्रेला भागता है 10 किलोमीटर पर आवर से और बारिश सीधी होने लगती है, इसका मतलब आदमी इधर तरफ भागा होगा, इधर तरफ भागेगा तभी रेन उल्टा पृष्ठ होकर ऐसे आएगी। तो ये वीएम हो गया, ये वीआरजी, ये वीआरएम है, बस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करो आंसर निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करिए आंसर निकालिए, और बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे, वीएम डिवाइड बाय वीआरएम करोगे टेन 30 आ जाएगा, वो देखो 10/√3 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, वीआरजी, तो वीआरजी क्या आएगा, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वीएम डिवाइड बाय साइन 30, तो वीआरजी क्या आएगा, वीएम डिवाइड बाय साइन 30 मतलब 20 आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं चीजें, ठीक है, बस खाली राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करिए और चिल करिए ब्रो। यहां देखो फिर से हमने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, आदमी चल रहा था, बारिश हो रही थी, टेढ़ी थी, सीधी लग रही थी, आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, दूसरी तरफ 45 से लगने लग गया, डबल कर दी। तो भैया ये जैसे ही ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने कहा यार ऐसे था तो ऐसे था, ये एंगल हमें नहीं पता था पहले, यहां अगर ये साइड एक जैसी, वैसे ये भी है क्योंकि डबल करके आया था, ओके, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। जैसे ही 45 नजर आया हमने कहा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक जैसा है, ट्रायंगल बनाते ही हमने कहा ये 3 होगा, ये भी पक्का 3 होगा क्योंकि 45 डिग्री है, और जैसे ही ये तीन 45 हुआ, दिख रहे ना, स्मार्ट लग रहे ना, तो ये क्या जाएगा, 3√2 हो जाएगा, क्या जाएगा, 3√2 हो जाएगा। बारिश हो रही है, जब तक बारिश के क्वेश्चन होंगे तब तक ऐसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भैया दोस्तों को पकड़ने की बात आई, अब इसको उड़ा दो छाते को, टूट जाएगा तो बहुत मारे जाएंगे हम, पता है, आओ कॉमेडी ना करो बेटा, नहीं तो फिर जान लो। अब क्या है, पकड़ने वाला बात हो रहा है, क्या यहां पे है, एक आदमी बैठा था, ये ऐसे चल रहा था, जब पकड़ने की बात हो रही तो हमने कहा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, वही सबसे छोटी होगी। फिर लेकिन हमने कहा यार जब दो लोग मूव करेंगे तो कैसे करेंगे, जब दो लोग मूव करेंगे तो बेस्ट तरीका क्या है, इसको मूव करा के मत देखो, बहुत बोरिंग है, बहुत कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, पागल है क्या,
हम ये वाला मेथड करेंगे, क्या एक को चला देंगे एक को रोक देंगे, तो इसके लिए ये इधर जाता नजर आएगा तो इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और हमें मिल जाएगी क्या सबसे छोटंकी दूरी पता चल जाएगी। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन करा, क्या करा हमने एक क्वेश्चन करा क्या ये वाला, हमने कहा कि यार ये आदमी है 100 किलोमीटर की सेपरेशन पे था इससे, ये कार इधर जा रही थी इधर जा रही थी, अब निकालो, तो हमने एक के रिस्पेक्ट में दूसरे निकाल लिया, तो हमने क्या किया बी वाले को निकाला ए के लिए, तो ये इधर चलता नजर आएगा, कैलकुलेशन करी तो 45 डिग्री आया, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये 10 था ये 10 था तो 45 आया, बस जैसे 45 आया परपेंडिकुलर क्या जाएगा एल साइन 45 हो जाएगा, ये आ गया। अब निकालना है टाइम, तो हमने आपको एक बात बताई जिस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग, डायरेक्शन मतलब एक्सिस है लेकिन जानबूझ के हमने डायरेक्शन लिखा है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी लिखेंगे उसी एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और बाकी सारी चीजें लिखते हैं। यार यहां चल के यहां तक पहुंचा है, ये आपको पता है, ये लेंथ निकाल लो टाइम निकाल लो, फिर इसी बात को हमने यहां पे अप्लाई करा, डेटा बदल दिया, एक को 10 दिया, एक को 10√3 दिया, हमने उल्टे डायरेक्शन में पता करा, हमने बी के रिस्पेक्ट में ए को देखा है, बी के रिस्पेक्ट में ए को देखा तो ऐसे जाते नजर आएगा, परपेंडिकुलर डाल दिया, एंगल निकाल लिया 60 आया, क्यों क्योंकि यहां पर आया था ऐसे, ये 10 था ये 10√3 था, ये 60 हो जाएगा बस। उसके बाद हमें टाइम निकालना था, जो कि दिक्कत थी, तो ये इतना ही लेंथ चला होगा इस वेलोसिटी से, इतना लेंथ चला होगा, वैल्यू भरो आंसर निकालो, ठीक है वैल्यू भरो, वैसे एल डैश निकाल लो, ये 100 है, ये वाला एंगल क्या, ये 100 है, तो एल डैश डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कॉस 60, 50 आया, वेलोसिटी कितनी आई थी इस डायरेक्शन में 20 आई थी, तो 50 डिवाइड बाई 20 ढाई घंटा, बड़ी आसानी से तुमने इसको समझ लिया और कर भी लिया। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये लेक्चर डिफिकल्ट लगा होगा, कुछ लोगों को बोरिंग लगा होगा, कुछ लोगों को लगा बड़ा स्लो पढ़ाए, सबके अलग अलग मत होंगे, लेकिन जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे गर्दा उड़ाना है और तुमको सब कुछ सिखाना है, लगे रहो कुछ जम के मेहनत करो, रफ्तार वाले हो रफ्तार के साथ मेहनत करो, कोई बैकलॉग मत रखो, सब कुछ कवर करते चलो साथ के साथ, और कोई डाउट है तो टेंशन मत लो, वीडियो दोबारा देखो, डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर भी रहता है कमेंट करो, अगली क्लास में आप उन क्लियर करेगा, क्यों पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे, बता के जा रहे हैं।